जैसा कि आप देख रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है ह्यूमन। ह्यूमन का क्या मतलब होता है? ह्यूमन मींस होमो सेपियंस। बायोलॉजिकल स्टूडेंट बता सकते हैं होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एचआर में बायोलॉजी का कुछ काम है। होमो सेपियंस या ह्यूमन मींस ह्यूमन, मानव जाति, मनुष्य। सेकंड वर्ड होता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हो गए जैसे मनी, मटेरियल, सर्विसेज, अदर एसेट, जिनको यूज़ करके हम उनसे कुछ भी बेनिफिट ले सकते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन भी एक तरीके का रिसोर्स है। थर्ड वर्ड होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस प्रबंधन, किसी भी चीज़ को मैनेज करना। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है ह्यूमन जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स है, उसको मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, मींस ये होता क्या है, इसकी वर्ड, इसकी टर्मिनोलॉजी जो है, कॉन्सेप्ट तो आपके आगे क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एचआर का मेन काम होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हाथ बने हुए हैं। इसको आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और एचआर, ये तीनों मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसमें एचआर एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब वो एम्प्लॉय की बात एम्प्लॉयर तक और एम्प्लॉयर की बात एम्प्लॉय तक पहुंचाता है। किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करता है और बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके।